तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ कोई प्लेयर्स जा पाते हैं और किसी को रॉकस्टार को वो खोया था वो चीज थी, लेकिन जादू को यहाँ पर एक ओपनिंग मिली है। इनफैक्ट एक प्लेयर को डाउन किया, बाकी प्लेयर्स को स्पॉट करने की उनकी कोशिश हो सकती है। पीक्स अच्छे हैं, फाइट्स लेने की कोशिश काफी अच्छी है, हालांकि पूरी सिचुएशन में जादू अभी के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। यहाँ से उतर के निकलना ही एक सही सिचुएशन बन सकता है। स्पॉट किया हुआ है प्लेयर्स को, 23 गोलियां इस प्लेयर के पास, हील कर रहे हैं, इनके बारे में शायद किसी को पता नहीं। अगर पता है तो आतंकी डेफिनेटली इस ग्रेनेड से कुछ ना कुछ बदल सकते हैं, बट 23 गोलियों के सहारे आगे जा रहे हैं। एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा बनती हुई, एक और प्लेयर सामने, 10 गोलियां आखिरी बची हुई है, रीलोड पर जाएंगे जरूर। आखिरी 15 गोलियां इस प्लेयर के पास, 3 और 5 उसी को रीलोड किया जाएगा। क्लोज रेंज की सबसे एक्सप्लोसिव वेपन जानी जाती है, बट क्या वो एक्सप्लोजन निकाल पाएंगे एक बड़ा सवाल। जादू पूरा भार इनके ऊपर इस फाइट का रखा, आगे की तरफ को जा रहे हैं, अग्रसर हो चुके हैं तो फाइट तो निकालना चाहते हैं। 21 गोलियां बचती हुई, वापस से रीलोड करेंगे। एक्सटेंडेड मैच जो यूएमपी पर लगा था वो इस वेपन पर लगा लिया, इन्होंने पता चल चुका कितना इंपॉर्टेंट है। और एक और प्लेयर को डाउन करेंगे जादू, एक एक करके प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ओआर के लिए मुश्किल बनती हुई आरई।